नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद रौतेला और आज मैं जाने वाला हूं लाल सिंह गेर, जहां बहुत सारे रातपा के जंगल और खूबसूरत नज़ारा। वहां से आप पंचाचुली भी आपको साफ दिख जाएगा और वहां टीआरसी भी है, रहने के लिए अच्छा है, बंदोबस्त है। और वो अगर आप खलिया टॉप जाना चाहते हैं तो वहां से काफ़ी नज़दीक पड़ता है, वहां से आपको 4 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, खलिया टॉप पहुँच जाएंगे और एक बेहतरीन नज़ारा फूलों का। ये सामने बलाती फार्म है और यहाँ जो है काफ़ी आलू की पैदावार होती है और आलू उगाया जाता है। और अभी वाह, यही बच जाए फूलों की घाटियाँ, ऐसा लग रहा है जब फूलों की घाटी में पहुंच गए हम। वाओ, इसमें दो प्रकार के हैं फूल राप्ता के। वाह, क्या खूबसूरत है फूल, पूरा जंगल। ये पिंक कलर का, ये हल्का वाइट और उसमें वो है ना, क्या बोलते हैं, हाँ, बैगनी, लाइट बैगनी, क्या खूबसूरत है। जितने हाइट में जाओगे आप उतने आपको अलग अलग प्रकार के फूल मिलेंगे। और जो ब्रास का फूल होता है वो एकदम रेड होता है और इसका कलर आप देख सकते हैं, क्या प्यारा कलर है। इसी के बगल में गुलाबी है, ये पूरा जंगल। वाह, ये पूरे लदे हैं फूल से। सामने पेड़ कैसे पीछे पड़े हैं, सब बुरांस के जंगल हैं ना, बुरांस तो नहीं, रातपा के जंगल। लगता सेम है, लगता है जैसे बुरांस ही है पर बुरांस नहीं है, रातपा हुआ, पूरा पीछे पड़े हैं रातपा के जंगल। आप देख सकते हैं क्योंकि इतने हाइट में पेड़ उगना भी बहुत बहुत कठिन है रातपा, क्योंकि यहाँ पेड़ इतना बर्फ़ पड़ता है कि बेचारे पेड़ भी सारे दब जाते हैं बर्फ़ से और ये सब पीछे पड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी कोई भारी टैंक चढ़ गया होगा इनके ऊपर, पर ऐसा नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। ज़्यादा हाइट में जो है पेड़ पौधे भी नहीं उगते हैं, ये तिरछे हो जाते हैं, पूरा लेटे पड़े हैं जंगल पूरा। इसमें ऐसे लग रहा है कि इसमें कुछ दो बल्लियां रख के ये लगे हैं पर्यटकों के लिए, रात में अगर रुकना चाहें तो। पर नाइट इसमें 1000 रुपये इसका कॉस्ट है टेंट का, आप रुक सकते हैं। और ये आपका भुजानी के टीआरसी के ठीक नीचे लगा रखा है इन्होंने, और बैठने का फर्स्ट क्लास यहाँ। और ये इसके अंदर का पार्ट है, इसमें छोटा सा किचन भी दिया है और गैस है, ये चूल्हा अंदर। अभी थोड़ी देर पहले बहुत बारिश हुई तो पूरा भीग गया था ये कुर्सियाँ, इन्होंने बारिश की वजह से ऐसे रखे हैं ताकि कुर्सी में गीला ना हो। सामने मुंशियारी दिख रहा है भुजानी से, और वो सामने इनके रूम है टीआरसी के बगल में, ये किचन हो गया, ये रेस्टोरेंट हो गया इनका खाने पीने का। पंचाचुली भी बादल की वजह से दिख नहीं रहा है, नहीं तो यहाँ से सामने व्यू बहुत अच्छा दिखता है। बादलों की आवाज़ कड़कड़ाते हुए, मौसम अचानक ख़राब हो रहा है। अब चलते हैं किचन की तरफ, मैगी बनाने का दिया है डिमांड, मैगी खा के सीधा घर की तरफ चलते हैं। ये तो टॉप में लाना भी तो बहुत मुश्किल है,
ये भुजानी का TRC है और ये हाँ ट्रैकिंग वैसे हाँ जो जो आए ठीक अच्छा ठीक 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 आपका नाम क्या हुआ दादा अच्छा अरे नीचे नहीं देता हूँ अच्छा नहीं बचते ना ये भुआ भुजानी का TRC है और यहाँ रहने का खाने का ये किचन है इनका बढ़िया सा इसमें मैगी बनवा रहे हम मैगी खाने के लिए और बहुत अच्छा है यहाँ रहने की सुविधा भी है रहने की और काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ रहने के लिए ये खूबसूरत नज़ारा रातपा के जंगल और हमारा वापसी अभी हम मुंशारी की तरफ भुजानी से TRC से नीचे आते हुए अब हम चलते हैं नीचे की तरफ देखते हैं बादल मौसम थोड़ा मौसम भी ख़राब हो गया है बहुत ज़्यादा बादलों की गड़गड़ाहट